आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो दंगल में बोले राजनीतिक विश्लेषक वरुण पुरोहित। वरुण पुरोहित ने बीजेपी पर साधा जमकर निशाना, कहा सभी पार्टियों में ठेका सिस्टम हो गया है। वरुण पुरोहित ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी जमकर हमला बोला। देखिए, अभी इन्होंने कहा इमरजेंसी की बात की, इमरजेंसी में संजय गांधी जी की पुत्र वधू और बेटे को कौन ले गए? बीजेपी वाले सांसद बना के बैठे हैं, अपने साथ नेता बना रहे हैं, उन्हीं के प्रचार से जीतने का प्रयास कर। ये आपको मैंने कई बार कहा, ये इनके एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जब कांग्रेस के आदमी इनकी पार्टी में लेते हैं, सरकारें बनाते हैं जब, तो इनके लिए सही हो जाते हैं, और बाहर होते हैं तो ये इस प्रकार की आलोचना करने लगते हैं। मैं आपको ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, तो ये सबको पता है कि उनको कितनी इंपॉर्टेंस कांग्रेस पार्टी ने दी, इतने भारी नेता होते तो लोकसभा चुनाव जीत जाते। इनके पिताश्री जो थे आदरणीय माधव राव जी, उन्होंने भी पार्टी बनाई थी कांग्रेस छोड़ के, फिर क्या असर हुआ था। तो ये निश्चित रूप से विश्वासघात, अगर आप पार्टी की टिकट पे जीत करके आ रहे हो तो आप अगर उसको छोड़ के जाते तो इस्तीफा देके जाओ और उसके बाद फिर राज्यसभा प्राप्त करो, तो सबको पता है कि सत्ता लोलुपता के लिए जा रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो पार्टी के साथ। दूसरी बात, बहुत बड़ी बात मैं आपको कहना, राजनीतिक व्यवस्था देश की क्यों चरमरा रही है? क्योंकि ये ठेका सिस्टम हो गया सब पार्टियों में।